मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से नेताओं को काफी उम्मीदें बंधी हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समेट कर रखने की चुनौती है, तो वही झारखंड विकास मोर्चा में रहे और अब बीजेपी में आए कार्यकर्ताओं को संगठन में उचित स्थान मिलने की उम्मीदें भी बंधी हुई है। बाबूलाल मरांडी की नई कमेटी में बीजेपी के पुराने नेताओं को स्थान मिलना है या झारखंड विकास मोर्चा से आए बीजेपी के नेताओं को? बाबूलाल मरांडी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लंबी कतारें उनके पास लगी हुई हैं। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बधाई दे रहे हैं, लेकिन बधाई देने वालों में सबसे अधिक भीड़ पुराने झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की है। बाबूलाल मरांडी से मिलने वालों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पुराना झारखंड विकास मोर्चा का अस्तित्व फिर से खड़ा हो गया है। ऐसे चेहरों को देखकर बरबस ही झारखंड विकास मोर्चा की यादें ताज़ा हो जा रही हैं। बीजेपी में पहले से और पुराने नेता बाबूलाल मरांडी से उस तन्मयता से मिलने में संकोच कर रहे हैं जिस तन्मयता से झारखंड विकास मोर्चा से बीजेपी में आए हुए नेता मिल रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा के नेता बीजेपी के नेताओं से अधिक ही खुश दिखाई दे रहे हैं। वो भी क्यों न, बाबूलाल मरांडी के झारखंड विकास मोर्चा को सींचने में जिन लोगों ने बाबूलाल मरांडी का साथ दिया था उनकी आशाएं तो उनसे बंधी हुई हैं ही, लेकिन बाबूलाल मरांडी के पुराने सहयोगियों को अधिक तवज्जो देने के सवाल पर नेता अब झारखंड विकास मोर्चा के बजाय केवल बीजेपी का अस्तित्व ही करार देते हैं। ये जो जिनको पार्टी में विश्वास नहीं है, जो पार्टी के रीति नीति कार्यक्रमों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, भाजपा को जो नज़दीक से जिन्होंने नहीं देखा है, वो वैसे लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक शैली है, कार्य संस्कृति है, हम पार्टी विथ डिफरेंस जब कहते हैं तो यूँ ही नहीं कहते हैं, हमारा एक अलग कार्य संस्कृति है, तो उसमें ये सारी बातें मायने नहीं रखती है। और वो भी जब एक सुलझे हुए नेतृत्व के हाथों जब संगठन हो तो इसकी तो दूर दूर तक कहीं परछाई भी नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए मैं समझता हूँ जो कार्यकर्ता पार्टी को नहीं समझते हैं, जो लोग पार्टी को भाजपा को नहीं समझते हैं, वो इस प्रकार की शंकाएँ पैदा करते हैं, लेकिन इस प्रकार की कहीं कोई बात भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए, 9-10 करोड़ हमारी पार्टी के सदस्य, जो पार्टी का विलय हमारे में हो गया, जिसका इलेक्शन कमीशन ने भी मंजूरी दे दी, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो अब JVM और BJP की बात कहाँ, मुझे लगता है इस तरह की बात करने का कोई औचित्य नहीं है। अब तो सब भाजपा परिवार के सदस्य हैं, एक बार उनका विलय हो गया, सिद्धांतों को मानकर विलय हो गया, उनका सिंबल फ्रीज हो गया, तो अब तो सब भाजपा है, कहाँ कोई JVM। पुराने बाबूलाल जी के तो पहले भाजपा से ही थे, लगातार जो है 29 साल पहले भाजपा के अध्यक्ष थे, सारे लोग तो सब लोग साथ में काम किए हैं, और अब JVM है ही नहीं, अब तो सब भाजपा के सदस्य, तो अब JVM और BJP के कहां सवाल उठता है। बाबूलाल मरांडी के BJP के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के समर्थकों की वह चलती नहीं रहेगी जो पूर्व की प्रदेश कमेटियों में रहा करती थी। बाबूलाल मरांडी भी BJP में अपनी लंबी लकीर खींचने का प्रयास करेंगे। इस दौरान रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के समर्थकों को बाबूलाल मरांडी की कमेटी में स्थान नहीं मिलने का डर शायद सताने लगा है। पुराने BJP के नेताओं के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि अब शायद उनको बाबूलाल मरांडी की टीम में मौका नहीं मिले, लेकिन अपनी संभावनाएं समाप्त नहीं हो इसके लिए नेता पार्टी के साथ खड़े रहने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। बाबूलाल मरांडी BJP के केंद्रीय नेतृत्व से उस समय नाराज हुए थे जब 2005 में मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा को दूसरी बार कमान मिली थी। बाबूलाल मरांडी की उस समय किचन कैबिनेट काम करती थी जिसमें दीपक प्रकाश, प्रवीण सिंह, प्रदीप यादव और रविंद्र राय शामिल थे। केवल प्रदीप यादव को छोड़कर बाबूलाल मरांडी के किचन कैबिनेट की टीम के सभी सदस्य इस समय BJP में हैं, इसलिए किचन कैबिनेट का प्रभाव भी
बाबूलाल मरांडी की टीम में दिखाई देने की पूरी संभावनाएं व्याप्त हैं। अब बीजेपी में उन लोगों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं जिनका कोई मजबूत आका पार्टी के अंदर नहीं है, और हाल के दिनों में उन्होंने बीजेपी के संगठन में मजबूत पैठ और स्थान बना ली है। बाबूलाल जी पहले कहाँ थे? जेवीएम से पहले भाई यही उनका कार्यक्षेत्र रहा है ना। और बाबूलाल जी को जो जानते हैं वो इस बात को जानते हैं बहुत अच्छे से कि बाबूलाल जी के नज़र में सब बराबर है, और वो काम के आधार पे ही जिम्मेवारी देने का उनका जेवीएम रहे, बीजेपी रहे, फिर बीजेपी रहे, उसमें करते हैं। और निश्चित तौर पे जब आप कमेटी बनेगा तो आप देखिएगा कि जो काम करने वाला है वो कहीं से मायूस नहीं रहेगा। और बाबूलाल जी काम करना और काम कराना दोनों जानते हैं, और उनके आने के बाद जिस तरीका का उत्साह है सब में, अब देखिए कोई दो चार लोग को बेचार लोग को कोई अगर तकलीफ हो या नाराज़गी हो तो उसको भी हम लोग दूर करेंगे ही करेंगे, बाबूलाल जी अपने करेंगे। लेकिन इतना आप जान जाइए कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, और इस प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा और भाजपा के लिए भी अच्छा होगा। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से पुराने बीजेपी के नेता डरे और सहमे हुए हैं, तो वहीं झारखंड विकास मोर्चा में काम किए हुए नेता काफ़ी आशा लगाए हुए हैं कि उनको संगठन में महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। बाबूलाल मरांडी के समक्ष काफ़ी कठिन चुनौती है कि वह अपने संगठन में बीजेपी के पुराने नेताओं को स्थान देते हैं या अपने साथ झारखंड विकास मोर्चा के संगठन को खड़ा करने और संघर्ष करने में अपनी कमेटी में साथ देने वाले लोगों को स्थान देते हैं। प्रदेश की कमेटी बनाते समय बाबूलाल मरांडी के समक्ष एक ओर कुआं तो दूसरी ओर खाई वाली स्थिति दिखाई देती है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को बाबूलाल मरांडी तरजीह देते हैं या अपने साथ रहे पुराने झारखंड विकास मोर्चा के संघर्ष के साथियों को। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही जेवीएम के कार्यकर्ताओं में जहां खुशी दिखाई दे रही है, वो खास खुशी कहीं ना कहीं बीजेपी को चुभ रही है। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं में यह चिंता का भाव जरूर दिखाई दे रहा है कि बाबूलाल मरांडी किस तरह से बीजेपी को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें तरजीह मिलती है या उन्हें दरकिनार किया जाता है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।